कुत्ता इंसान का मुंह और पैर क्यों चाटता है? दोस्तों, हम सभी को पता है कि कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर होता है जो अपने मालिक को मुसीबत से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे उसके लिए कुत्ते को अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। आज हम आपको एक प्रेग्नेंट महिला और उसके कुत्ते के बारे में बताएंगे, जहां वो पालतू कुत्ता अपनी प्रेग्नेंट मालकिन के पेट को रोज चाटता था और उसे देखकर भौंकता था। जब उसकी वजह प्रेग्नेंट औरत और उसके पति को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका कुत्ता कुछ ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और क्यों कुत्ता अपनी प्रेग्नेंट मालकिन के पेट को चाटता था, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब बर्तानिया में रहने वाली एक महिला और उसके मंगेतर ने किमी नाम के कुत्ते को गोद लिया। जब इस कुत्ते को गोद लिया तो उसकी उम्र बहुत ही कम थी। छोटी सी ही उम्र में किमी नाम का ये कुत्ता अपनी मालकिन इला के साथ बहुत ही नजदीक आ गया। जब इला और उसके मंगेतर की शादी हुई तो ये उनके साथ ही रहने लगा। इला, उसका कुत्ता किमी और उसके पति तीनों एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहने लगे। इला और उसके पति किमी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते थे, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे, उसका ध्यान रखते थे। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद जब इला प्रेग्नेंट हो गई तो देखते ही देखते कुछ महीनों में उसका पेट बढ़ने लगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात थी। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अपनी मालकिन का बढ़ता हुआ पेट देखकर उसका पालतू कुत्ता किमी अजीब हरकतें करने लगा। किमी जब कभी भी अपनी मालकिन और उसके बढ़े हुए पेट को देखता तो तेजी से भौंकने लगता था। कई बार तो किमी अपनी मालकिन के पेट को चाटने लगता था। शुरू में तो इला और उसके पति ने किमी की इस हरकत को पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि उनका ये कुत्ता बस ऐसे ही ये सब कर रहा है। लेकिन थोड़े समय के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका कुत्ता किमी उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर किमी कहना क्या चाहता है। अब अगर देखा जाए तो किसी कुत्ते का इस तरह का बर्ताव करना कोई नई बात नहीं थी। हाँ, बस फर्क इतना था कि इला का पालतू कुत्ता कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था और इस बात ने इला और उसके पति को भी परेशानी में डाल दिया। लेकिन जब इला और उसके पति को अपने कुत्ते के बर्ताव का असली सच पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन पर विश्वास कर पाना नामुमकिन सा लगता है, और इला के लिए भी अपने कुत्ते का ये बर्ताव पूरे तरीके से चिंताजनक था। इला की प्रेगनेंसी से पहले उसके कुत्ते ने इस तरह की कोई भी हरकत कभी नहीं की थी, पर अचानक प्रेग्नेंट होने के बाद कुत्ते का इस तरह से पेट को देखकर भौंकना और पेट को चाटना सोच में डालने वाला बर्ताव था। इसीलिए एक दिन इला के पति ने कहा कि तुम अस्पताल चली जाओ और एक बार अपने लेडी डॉक्टर से इस बात का जिक्र करो और उनसे पूछो कि आखिर हमारा कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि अगर हमारे कुत्ते के इस बिहेवियर के पीछे कोई कारण है तो ये हमें पता होना चाहिए कि आखिर बात क्या है, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अपने पति की बात मानते हुए इला अपने डॉक्टर के पास जाती है और अपना पूरा चेकअप करवाती है। साथ ही डॉक्टर को अपने कुत्ते के बर्ताव के बारे में भी एक एक बात बताती है, उसका कुत्ता किस तरह से उसके बढ़ते हुए पेट को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। महिला की सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर का कहना था कि कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, जिसे सुनकर इला को भी लगता है कि उसका कुत्ता यूं ही परेशान हो रहा है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। जिसके बाद इला डॉक्टर के पास से वापस आकर अपने पति को सारी बात बता देती है और दोनों चैन की सांस लेने लगते हैं, क्योंकि कुत्ते का बर्ताव देखकर उनके मन में भी शक पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वो दोनों भी लगातार परेशान थे। लेकिन डॉक्टर के कहने के बाद भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनका कुत्ता बिना मतलब के ऐसी चीजें क्यों कर रहा है। इला और उसके पति को हैरानी तब हुई जब उनके कुत्ते का रवैया दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जो लगातार इला को देखकर भौंकता था। ऐसा बर्ताव करता था जैसे कि वो कुछ कहना चाहता है। ये सारी चीजें कुछ दिन तक यूं ही चलती रही। फिर किमी की मालकिन कुत्ते के बर्ताव को लेकर काफी चिंतित रहने लगी। उन्हें अभी भी कोई ना कोई गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुत्ता इस तरह की हरकतें आखिर क्यों कर रहा है। बढ़ते हुए पेट को देखकर वो इतना परेशान क्यों है, भौंकना क्यों शुरू कर देता है। चेकअप कराने के बावजूद भी इला का दिल नहीं मान रहा था।
इसलिए इला ने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से इस बारे में बात की जाए, क्या पता कोई उसकी मदद कर सके। डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है, अब दोस्तों की सलाह लेना जरूरी है। इसी बात को सोचकर इला ने अपने सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ ये बात शेयर की और उनसे पूछा कि अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन है तो उसे जरूर बताएं। इला पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। इला के कुत्ते के बारे में जानने के बाद अलग अलग तरह के लोग उन्हें कई तरह के मशवरे देने लगे। कोई कहता है कि कुत्ते का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, कोई कहता है कि कुत्ता बच्चे से जलन महसूस करने लगा है क्योंकि वो अपने प्यार को बांटना नहीं चाहता। लेकिन ऐसी भी एक महिला थी जिन्होंने इला को बताया कि कुत्ते आने वाली चीजों को पहले ही समझ जाते हैं और हमें चेतावनी देने की कोशिश करते हैं। शायद उनका कुत्ता भी यही कर रहा है, इसलिए इला को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाकर एक बार दोबारा से चेकअप कराना चाहिए और चेकअप में उन्हें इंटरनल बॉडी पार्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई बार बहुत सी बीमारियां बाहर से पता नहीं चलती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बीमारी बढ़ना शुरू कर देती है जिसके बारे में हमें समझ नहीं आता और बाद में तकलीफ होती है। इला को सोशल मीडिया पर उस महिला की बात बहुत सही लगी और उसने सोचा कि वो शहर जाकर बड़े हॉस्पिटल में एक बार अपना चेकअप जरूर करवाएगी और डॉक्टर को अपनी सारी परेशानी बताएगी। अगले दिन इला अपने पति के साथ शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने पहुंची और वहां जरूरी टेस्ट और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जब रिपोर्ट देखते हैं तो उस महिला के पेट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का पता चलता है, जिसके बारे में सुनकर इला और उसके पति बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने जब पहले चेकअप करवाया था तो सब कुछ नॉर्मल था, साथ ही इला को कुछ ज्यादा महसूस भी नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि ये बीमारी धीरे धीरे उनके शरीर में बढ़ रही है और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। असल में इला के पेट में खतरनाक गांठ बन चुकी थी और इस खतरे को उस कुत्ते ने पहले ही भांप लिया था, इसी वजह से वो अपनी मालकिन को देखकर भौंकने लगता था। कुत्ता बार बार अपनी मालकिन का ध्यान उसके पेट पर लाने की कोशिश कर रहा था और उससे ये कहना चाहता था कि पेट के अंदर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन शुरू में इन दोनों ने अपने डॉग किमी की बातों को नजरअंदाज कर दिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा क्योंकि जो गांठ थी वो पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। वो तो इन लोगों की खुशकिस्मती थी कि इला अपने कुत्ते के बर्ताव को नजरअंदाज नहीं कर पाई और सोशल मीडिया पर जुड़ी रही, जिससे उसे एक नेक महिला ने नेक सलाह दी। जैसे ही इला की बीमारी का पता चला, डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत एडमिट कर लिया और सही से ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया ताकि बच्चे को नुकसान पहुंचाए बिना ही उसके पेट में मौजूद गांठ को खत्म किया जा सके, वरना बच्चे की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ही समय बाद ट्रीटमेंट सफल हो गया और इला के साथ साथ उसका बच्चा भी सही सलामत बच गया, जिसकी डिलीवरी बिल्कुल बढ़िया हुई और बच्चा बहुत ही हेल्दी पैदा हुआ। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इला के किमी नाम के उस कुत्ते की वजह से ही मुमकिन हो पाया, क्योंकि अगर वो बार बार इला और उसके पति का ध्यान पेट की तरफ लाने की कोशिश ना करता तो वो दोनों नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम क्या है, और जब तक समझ आता तो बच्चे की जान को बचाना मुश्किल हो जाता। इला तो बहुत ही खुशकिस्मत थी क्योंकि उसकी जिंदगी में किमी जैसा कुत्ता था, वरना आज कहानी कुछ और ही होती। अब भाई ये इला का कुत्ता तो बहुत ही समझदार निकला, लेकिन क्या आपके पास भी कोई ऐसा पालतू कुत्ता है या कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसके बारे में हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इंसानों की जिंदगी इन प्यारे प्यारे जानवरों के बिना अधूरी है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।